नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल नव्य फूड ब्लॉगर में। तो आज देखिए, आज हम बनाने वाले हैं लौकी की बर्फी। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने एक लौकी ली है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। अब हमें इसके छिलका उतार के और इसको कद्दूकस कर लेना है। तो पहले मैं इनको छील के कद्दूकस कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लौकी को छील लिया है। अब मैं इसको तीन टुकड़ों में कट कर लेती हूँ, जिससे कि हमें इसे कद्दूकस करने में आसानी हो। इस तरीके से लेंगे और हम इसको कद्दूकस कर लेंगे। आप बारीक साइड से भी इसको कद्दूकस कर सकते हैं। मैं मोटी साइड से कर रही हूँ, इससे ये जल्दी हो जाएगा। तो बस इस तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे पहले। तो यहाँ पर देखिए मैंने लौकी को कद्दूकस कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसका पानी निकाल देते हैं। या तो आप इसे कपड़े में डाल के और इसका पानी निकाल सकते हैं, या आप इसे हाथों की हेल्प से इस तरीके से पानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने लौकी का पानी निकाल दिया है। तो यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम डाल देते हैं इसमें एक चम्मच घी। तो ये देसी घी डाला है मैंने, अब इसको गर्म होने देते हैं। तो यहाँ घी गर्म हो गया है, अब हम डाल देते हैं लौकी जो हमने पानी निकाल के रखी हुई है, और इसको घी में भूनेंगे। तो हमें इसे लगातार चलाते हुए भून लेना है घी में। तो यहाँ देखिए, हमें लौकी को तब तक भूनना है जब तक इसका ये पानी जो थोड़ा बहुत रह गया है वो ना भून जाए और अच्छे तरीके से ये लौकी पक ना जाए। तो 5 से 7 मिनट लगेंगे हमें इसे भूनने में। तो हम बस इसी तरीके से इसे भून लेते हैं। तो जब तक हमारी लौकी यहाँ पे भून रही है, आइए हम बना लेते हैं एक पेस्ट। तो यहाँ मैंने बादाम लिए हैं, यहाँ है चीनी, और यहाँ कुछ 3 से 4 काजू हैं, 2 हरी इलायची है, थोड़ा सा वो नारियल है जो मैंने कद्दूकस कर रखा है। तो इसकी हम पेस्ट बना लेते हैं। तो पेस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम डाल देते हैं चीनी। आप मीठा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये 1 कप चीनी ली हुई है, और अब मैं डाल देती हूँ इसमें ये बादाम। आप इन्हें काट के भी डाल सकते हैं, मैं इन्हें पीस रही हूँ। और ये काजू भी डाल देती हूँ, इसी के साथ डाल देती हूँ ये हरी इलायची। इसको थोड़ा सा इस तरीके से तोड़ कर डाल दूँगी दोनों को। ये नीचे मैंने डाल दिया है, ये 2 चम्मच नारियल है कद्दूकस किया हुआ, वो डाल दिया है। अब मैं डाल देती हूँ इसमें दूध। दूध से क्या होगा कि ये हमारा पेस्ट बनके तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ही दूध डाला है, जिससे कि पेस्ट आराम से पीस जाए। तो अब हम इसे पीस लेते हैं पहले। तो यहाँ देखिए, ये मैंने पीस लिया है। मैंने इसको ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़ा सा मोटा सा पीसा है, इसका पेस्ट बनाया है, जिससे कि जब हम ये बर्फी खाएँ तो इसमें बादाम काजू हमारे दांतों के अंदर चबे तो उसका फ्लेवर आए, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने इसलिए इसको, ये देखिए, ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनाई है। यहाँ पे देखिए हमारी ये लौकी भी अच्छी तरीके से पक गई है। तो मैं यहाँ पे मावा नहीं डालूँगी, अगर आप चाहें तो आप मावा डाल सकते हैं। अब मैं इस पेस्ट को जो हमने बनाई है वो डाल देते हैं, और अब इसे पकने देते हैं। मैंने यहाँ पे ये थोड़ा सा पीस के बनाया है, आप इसको इस तरीके से वैसे ही कट करके बना सकते हैं। इसमें बर्फी में थोड़ा कलर डालने के लिए आप इसमें फूड कलर इसी टाइम पे डाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, ये देखिए, इससे क्या होगा, थोड़ा अच्छा दिखेगा ये लौकी का, लौकी की बर्फी, ये देखिए। और बस अब इसे अच्छी तरीके से पका लेते हैं। अब देखिए, अब इसे अच्छे तरीके से चलाते हुए पकाना है हमें, जिससे कि ये लौकी नीचे ना लगे, इसलिए हमें इसे चलाते रहना है जब तक ये एक जगह पे अकेटा ना हो जाए या कढ़ाई से छूटने ना लगे। तो बस इसी तरीके से हमें चलाते हुए पकाना है। अब ये गाढ़ा हो गया है, तो अब हम डाल देते हैं 1 चम्मच घी, और इसमें ऊपर से
और इस सब्जी को चलाते हुए, ये देखिए अभी ये थोड़ा पतला है, अभी हमें इसे और गाढ़ा करना है थोड़ा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये अभी एक जगह तक फीका होने लगा है, पर ये अभी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। बस अभी हमें 1 से 2 मिनट और लगेंगे इसे इसी तरीके में, इसी तरीके से गाढ़ा करने में। तो ये देखिए जब हम इसको चला रहे हैं, तो ये देखिए कितने आराम से ये घूम रहा है चारों तरफ। ये देखिए ये फीका होना स्टार्ट हो गया है। तो बस 1 से 2 मिनट और लगेंगे और थोड़ा सा इसकी बुनाई कर लेते हैं। और बुनाई करते हुए क्या करना है, जिस प्लेट में हमें इसकी सेट करना है उस प्लेट में हम लगा लेते हैं घी। तो यहाँ देखिए मैंने चारों तरफ घी लगा लिया है इस प्लेट में। अब बस समय से चलाते हुए गाढ़ा कर लेना है। और तो ये फिट्टी हो गई है, अब हम क्या करते हैं, ये देखिए सब एक जगह पे हो गई है ये, और ये देखिए एक बार में ही ये गिर रही है इस तरीके से। बस अब हम क्या करते हैं, गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे कर लेते हैं प्लेट में निकाल लेते हैं जिसमें हमें सेट करना है। तो मैं इस प्लेट में कर रही हूँ, मैंने इसमें घी लगा लिया है और इसे इसमें निकाल लेते हैं। और बस इसको फैला लेते हैं। और ये लीजिए तैयार हो गई है हमारी लौकी की बर्फी, पर ये अभी पूरी तरह से नहीं हुई है। अभी हमें क्या करना है, इसे करना है अभी ठंडा। तो हम 1 से 2 घंटे के लिए हम रख देते हैं फ्रिज में, या जब तक ये सेट नहीं हो जाती। यहाँ देखिए ये मैंने इस तरीके से फैला दिया है, इसको चारों तरफ से सेट कर दिया है। अब हम इस पर डाल देते हैं ये नारियल का बारूदा गार्निश के लिए। और हमारे पास है ये बादाम, आप बादाम से गार्निश कर सकते हैं या काजू से कर सकते हैं, या किशमिश हो आप उससे भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से बादाम लगा दिए हैं, अब मैं इनको ठंडा होने के लिए फ्रीजर में रख देती हूँ। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स 1 घंटा हो गया है, मैं 1 घंटे बाद क्या करती हूँ, मैं इन पर कट लगा देती हूँ। आप कोई से भी कट में काट सकते हैं इसको। और बस इसी तरीके से हमें इन्हें कट लगा लेना है, और कट लगाने के बाद 1 घंटे के लिए और रख देना है इन्हें, क्योंकि ये अच्छी तरीके से भी सेट नहीं हुआ है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स ये हमारी बर्फी सेट हो गई है, और ये हम उसे इस तरीके से निकाल के खा देते हैं। ये देखिए, और हम उसको प्लेटिंग कर लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको सर्व कर लिया है, और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ये, बिल्कुल हरा कलर देखिए कितना अच्छा आया है इसमें, और ये अच्छे तरीके से सेट हो गई है ये देखिए। तो बिल्कुल हमारी वाइट प्लेट है, और देखिए कैसे हरी भरी हो गई है। और ये देखिए अच्छी तरीके से सेट हो गई है, मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट है ये देखिए।